हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप होंगे एकदम फिट एंड फाइन। मैं भावना करती हूँ आपका अपने चैनल में स्वागत। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये लेके आई हूँ मैं आज, ये हरी मिर्च है, ग्रीन चिली, ये हरी मिर्च ली है मैंने। और ये लिए है मैंने 3 कच्चे आम, दिखा देती हूँ आपको, ये एकदम ताजे हैं और कच्चे आम हैं। ये आमों का सीजन शुरू हो चुका है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये लिए हैं मैंने 2 ऑनियन, इनको मैंने छील लिया है। तो सबसे पहले अपनी इन सब्जियों को हम काट लेते हैं और फिर बताते हैं कि आज हम आपके लिए क्या बनाने वाले हैं। तो करते हैं इनको काटना शुरू। तो सबसे पहले मिर्चों को काटूंगी मैं, तो इन मिर्चों को काटूंगी मैं सीधा, बिल्कुल आपको दिखा देती हूँ। इन मिर्चों को मैं ऐसे काटूंगी, ऐसे काटने वाली हूँ लंबा, और इसके बीच से सिर्फ मुझे एक कट लगाना है लंबा वाला। ओके, इस तरह के मुझे ऐसे काट लेनी है। और देखिए, आपको एक और दिखा देती हूँ, और मैं इसी तरह काटती हूँ मिर्चों को। तो मैं इस तरह इनको काट लेती हूँ। तो इस तरह मैंने सारी मिर्चों को काट लिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये सारी मिर्चें मैंने काट ली हैं और इनको मैंने बीच में से कट किया है, और दिखा देती हूँ आपको। इससे बीच में से मैंने कट किया है, और इसके बाद में हम हमारे जो ये कच्चे आम हैं इनको छील लेते हैं और इनको भी हम काट लेते हैं। तो करते हैं इनको छीलना शुरू। ओके, तो इस तरह से मैं इसे छीलूंगी। ओके, मैं इनको छीलना करती हूँ चालू, और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी रेसिपी आज क्या बनाने वाली हूँ आपके लिए, और आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले मैं इनको छील लेती हूँ इस तरह से। आम को मैंने काट लिया है, दिखाती हूँ। ये आम कच्चे आम थे, उनको मैंने काट लिया है, उसको रख दी एक साइड में। अब काटती हूँ ऑनियन में। ओके, तो ऑनियन भी मैं थोड़े बड़े साइज में ही काटूंगी, बारीक ऑनियन में इस मिर्चों में डालती हूँ। मैं डालती हूँ इस तरह की, इस तरह के डालती हूँ मैं मिर्चों में। तो इस तरह से मैं अपनी ऑनियन भी काट लेती हूँ। तो मैंने अपने मिर्च काट लिए हैं, और अपना कच्चा आम था वो भी काट लिया है, और मैंने ऑनियन को भी काट के रख लिया है। इनको एक साइड में रखते हैं और अपना फ्लेम करते हैं चालू, और आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, और उठाते हैं अपने सस्पेंस से पर्दा। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, इसे गर्म होने देते हैं, और देखिए, कोई स्टेप आप मिस मत कीजिए, और लगातार कंटिन्यू देखते रहिए कि मैं अपनी कच्चे आम को और मिर्चों को कैसे बनाती हूँ अपने घर पर, जो मेरे घर की पहली पसंद बनी हुए हैं। तो देखिए, मैं आप क्या करती हूँ, कढ़ाई को पहले गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई हमारी हो चुकी है गरम, और मैं डालती हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल। देखिए, ये मैंने एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मुझे इन अपनी मिर्चों को ऑयल में ही पकाना है, मुझे इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, और मुझे इसी में फ्राई करना है। तो मुझे थोड़ा, एक चम्मच में और डालती हूँ, मुझे थोड़ा सा तेल ज़्यादा चाहिए। तो मैंने ये करीब 2-1.5 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। अब इस अपने ऑयल को गर्म होने देते हैं, और इसमें डालती हूँ मैं अजवाइन। मैं दिखाती हूँ, ये मैंने 1 चम्मच के करीब अजवाइन ली है, और इन अजवाइन को मैं डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा मैं हींग भी डालूंगी, क्योंकि मैं हींग अपनी हर रेसिपी में डालती हूँ, और हींग मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी हींग ली है चुटकी भर मैंने, ये भी इसमें डाल दी है। और अपने इस अजवाइन को हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, थोड़ा सा डार्क। तो करते हैं वेट थोड़ा सा। हमारी अजवाइन हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, तो डालना शुरू करते हैं इसमें। मैं ये कटा हुआ मेरा प्याज था, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। कटा हुआ प्याज मैंने डाल दिया है, और फिर मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं फ्राई करूँगी इसमें। तो इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, ये मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। सबसे पहले मैं इसे डालूंगी, इसके बाद में तुरंत ही मैं ये अपनी हरी मिर्चें डाल दूंगी इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और अपना फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर दूंगी, और मुझे अब इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है। ओके, तो मैंने हल्दी इसमें डाल दी है। हल्दी के बाद में मैं डालूंगी इसमें, मैं इसमें डालूंगी, आपको दिखा देती हूँ, ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच सॉल्ट है, नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इसमें भी डाल दूंगी मैं इसे। और ये लिया है मैं सौंफ, अजवाइन,
और ये पीली वाली राई होती है उसका पाउडर है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इन सबको कर देती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स। और मैं इसे ढक के रख दूंगी अभी, और क्योंकि हमको जो हमने ये कच्चे आम काटे हैं इसको मैं सबसे लास्ट में ऐड करूंगी इसमें, तो सबसे पहले मुझे इसको ही स्लो फ्लेम पर मुझे इसको पकाना है। तो इसका ढक्कन मैं कर देती हूँ बंद और मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं अपने मिर्च कैसे हमारे मिर्च बने हैं। तो खोलते हैं इसका ढक्कन, अब दिखाती हूँ आपको, देखिए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे ये बन चुके हैं। और अब इस कंडीशन में हम ये जो हमारे कच्चे आम थे इनको हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, जो हमारी मिर्चें हैं उनसे हम इसको कोट कर देंगे। इनको मैंने ढक दिया है ताकि ये इसके स्टीम से ये आम पक जाएं ये भी, और इनको हम 2 मिनट के लिए इसे पकाते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमारी मिर्चें कितनी पक चुकी हैं। देखिए, करते हैं चेक कि हमारी जो कच्चा आम हमने डाला था वो इसमें गला है कि नहीं गला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये आम हुआ है कि नहीं हुआ। ये अभी आम थोड़ा सा कच्चा है और मैं इसे अभी थोड़ी ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए इसे मिर्चों से ढक दूंगी और मैं इसे पकाऊंगी, और जब तक ये आम गल नहीं जाते हैं लेकिन मैं अपनी फ्लेम स्लो ही रखूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं अपनी मिर्च को हमारा कैसा बना है ये। तो खोलती हूँ मैं इसका ढक्कन, हटाती हूँ थाली और दिखाती हूँ आपको कि ये मेरी मिर्च देखिए कैसी बनी है। और देखिए ये मेरी मिर्चें, देखिए मैं आपको इसमें आम दिखाती हूँ, ये बिल्कुल गल चुके हैं, ये गल चुके हैं बिल्कुल। ओके, और देखिए मैं आपको अपनी कढ़ाई को और पास से दिखाती हूँ कैसे बने हैं ये। तो हो जाइए रेडी, और मेरी कढ़ाई आ रही है आपके बिल्कुल पास। तो देखिए बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छा कलर इनमें आया हुआ है और एकदम खाने का मन कर रहा है। तो मैं आपको करती हूँ इसकी प्लेटिंग और आपको दिखाती हूँ कि मेरे मिर्च कैसे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और जब भी आपका मन करे आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो करती हूँ मैं इसको प्लेटिंग करती हूँ, एक कटोरी में इनको डालती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि कैसे बने हैं ये मिर्च। ओके, तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। फ्लेम कर देती हूँ मैं बंद, और देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और जब भी हमारे घर में बनते हैं तो सबको बहुत पसंद आते हैं और सब कहते हैं, तभी मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ 1-2 पीस उठा के। तो इसके साथ में रायता हो, गाजर का, लौकी का, पुदीने का, किसी का भी रायता हो, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सब्जी भी को भी हम पीछे करते हैं, सब्जी भी नहीं खाते हैं इसके चक्कर में। तो बहुत अच्छी पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। तो अगर आपके मुंह में थोड़ा सा भी पानी आ गया हो तो कर दीजिए एक लाइक, और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, टेक केयर। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय, सी यू, बाय।